जनवरी है 26 जनवरी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ही दिन क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दरअसल 1927 को अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर साइमन कमीशन लाया था, जिस साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन, उसके नाम से ये साइमन कमीशन जाना जाता है। और 1900 तक, क्योंकि तब साइमन कमीशन में भारत का कोई भी सदस्य नहीं था, इसके लिए इसका विरोध भी हुआ था। और 1931 में भारत के अंदर संविधान सभा की चुनाव हुई है। उस संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल प्रांत से जिस स्टेट से वो चुनकर आए थे, उसका जिस जगह से वो चुनकर आए थे उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान को चला गया था, जिसके वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पाकिस्तान कमेटी के सदस्य हुए थे। लेकिन उसके बाद वो वहाँ से वापस आए, उसका राजीनामा दिया उस जगह का, और वहाँ से वापस आकर वो बॉम्बे से चुनाव लड़े और बॉम्बे से जीतकर वो संविधान कमेटी के संविधान सभा में चुनकर चले गए। और उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया भारत के स्वतंत्रता होने के लिए। उसके बाद 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा। इसके लिए अंग्रेज़ों ने अब तैयारी कर ली थी कि भारत को स्वतंत्रता देनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र दिया, लेकिन तभी भी लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। उसके बाद जब मसूदा समिति तैयार हुई, उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बने और उन्होंने बड़े ही प्यार से यह संविधान लिखा और यह संविधान 2 साल 11 महीने 17 दिन तक लिखने के बाद 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तब से ये दिन 26 जनवरी के दिन से जाना जाता है, उसे मनाया जाता है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए।